गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा, आप हम देखते हैं अपनी एक्सरसाइज 12.4। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एबीसी गिवन एंगल ए इज अ 60 डिग्री, एंगल बी इज अ 30 डिग्री एंड ए बी इज अ 5.8। देखिए हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे ए बी 5.8 सेंटीमीटर की। ए पे हमें 60 डिग्री एंगल बनाना है और पी पे हमें 30 डिग्री एंगल बनाना है। कैसे बनाएंगे देखिए, सबसे पहले हम कंपास लेंगे, ठीक है, और कंपास लेकर हम कोई भी एक आर्क लगा देंगे, ठीक है, उसको छोटा बड़ा के बिना यहाँ से कट लगाएंगे, ठीक है, ऐसे करके, ठीक, और इसको एक लाइन बढ़ा देंगे तो ये बन जाएगा 60 डिग्री। सेम पहले 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, एक आर्क लगाएंगे ऐसे करके, ठीक है, फिर सेम आर्क यहाँ से लगा देंगे, फिर छोटा बड़ा के बिना एक आर्क इधर से और एक आर्क यहाँ से लगाएंगे। फिर से देखिए एक मिनट, देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक कोई भी आर्क लगाएंगे, ठीक, फिर यहाँ से एक कट मारेंगे, ये बन गया 60 डिग्री का एंगल। अब 60 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट करेंगे, यहाँ से एक आर्क और एक आर्क लगाएंगे यहाँ से, जहाँ पे ये दोनों आर्क कट कर रहे हैं उस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो ये बन जाएगा 60 डिग्री का एंगल। जब आप इस लाइन को प्रोसीड करेंगे और इसको करेंगे, दोनों लाइन एक दूसरे को सी पॉइंट पे कट करेंगे, सो ए बी सी विल बी आर रिक्वायर्ड ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी क्यू आर, इफ पी क्यू इज अ 5 सेंटीमीटर, एंगल पी क्यू आर इज अ 105 डिग्री एंड एंगल पी एंगल क्यू आर पी इज अ 40 डिग्री। आपको ये दो एंगल दिए और पी क्यू दिए और आपको एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है पी क्यू। हाँ देखिए, पहले हमको रफ फिगर बनानी होगी बेटा तो हमने पहले रफ फिगर बना ली। इस फिगर में देखेंगे हम, आपने देखो पी क्यू 5 सेंटीमीटर खींच ली, ठीक है, और आपको एंगल पी क्यू आर 105 दिया है और एंगल क्यू क्यू आर पी 40 डिग्री दिया है, बट ये आपको लाइन नहीं दी है तो आप इसको कहाँ बनाएंगे, तो आप क्या करेंगे, एंगल पी को निकाल लेंगे। आपको पता है ट्राइंगल क्या, ऑल एंगल्स का सम कितना आता है 180, तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर कितना होता है 180 डिग्री का, ठीक है। सो क्या करेंगे, आपको एंगल क्यू दिया है, एंगल आर दिया है, इन्हें ऐड करेंगे और इधर ले जाके माइनस कर देंगे तो एंगल पी मिल गया हमें 35 डिग्री का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, कैसे बनाएंगे, एक लाइन खींचेंगे हम पी क्यू और प्रोटेक्टर की हेल्प से हम एंगल बनाएंगे, ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे ऐसे करके प्रोटेक्टर, ठीक है, और 35 डिग्री, 30 के बाद 5 कॉलम ले लेंगे, सिमिलरली यहाँ पे रखेंगे बेटा, ठीक है, और इधर 0 से लेकर 105, 100 के बाद 5 कॉलम ले लेंगे, ठीक है, 100 यहाँ 0 से गिरेंगे, ये आया 100, 5 कॉलम ले लेंगे, 105 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, दोनों लाइन को बढ़ाएंगे, ये दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट हो जाएगा आर, तो इस तरीके से ये आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। अब है एग्जाम फैदर, यू कैन कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल डी ई एफ सच दैट ई एफ इज अ 7.2 सेंटीमीटर, एंगल ई इज अ 110 डिग्री, एंगल एफ इज अ 80 डिग्री, जस्टिफाई योर आंसर। ट्रायंगल डी ई एफ इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट, एंगल ई प्लस एंगल एफ इज अ 110 प्लस 80 इज इक्वल टू 190 डिग्री, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, बट ये कितना आ रहा है 190 डिग्री, इसलिए ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा।